सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सदाम एडिटिंग में। सो गाइज कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा या अभी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो देख रहे हो कुछ इस टाइप के। अगर आपको भी वीडियो एडिट करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा गाइज। साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को हम एडिट करने के लिए कैन मास्टर एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास होगा या नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल में कैन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 9:16 का फ्रेम सेलेक्ट करके नीचे पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से व्हाइट स्क्रीन आपको एक ऐड कर लेनी होगी, और ऐड करने के बाद यहाँ पर जितना बार आपको वीडियो चाहिए उतना बार इस वीडियो को आपको ड्यूरेशन को थोड़ी सी टाइमलाइन को बढ़ा देनी होगी कुछ इस तरीके से गाइज। और बढ़ाने के बाद यहाँ पर गाइज इस लेयर पर क्लिक कर देना है और मीडिया पर क्लिक कर देना है, और एक फ़ोटो बैकग्राउंड में जो फोटो लगाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेता हूँ। सो गाइज देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ले लिया हूँ। इसको यहाँ क्रोपिंग पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से थोड़ी सी आपको क्रोप कर देनी होगी कुछ इस तरीके से गाइस। देख सकते हो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। अब यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ थोड़ी सी स्क्रॉल आपको करना है, और यहाँ पर देख सकते हो मैजिक रिमूवर का ऑप्शन मिल जाती है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने बाद यहाँ पर थोड़ी यहाँ PNG में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से PNG बन चुके हैं। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से आपको जूम करके इसको बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। करने के बाद यहाँ पर गाइज इसको लेयर जो है पूरी बैकग्राउंड के बराबर में आपको कर देनी है। और करने के बाद यहाँ पर गाइज लेयर पे क्लिक कर देना, और यहाँ इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ स्टोर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और ये मास्क का जो है ऑप्शन लेन एयर मास्क का है, इसको आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। अब मैं उस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो देखने को मिल जाती है, इसको हम क्लिक करेंगे और फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ी सी फेडर को थोड़ी सी इस तरीके से बढ़ा देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और यहाँ नीचे पर देख सकते हो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से वाइट कलर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, और इसको नीचे में ऐड कर देने थोड़ी सी जूम करके नीचे में आपको कुछ इस तरीके से ऐड कर देनी होगी, और यहाँ से बैक आ जाना। इसका कभी लेयर जो है पूरी वीडियो की बराबर में कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, और यहाँ आपको यह करना है लेयर पे क्लिक कर देना और मीडिया पे क्लिक कर देना, और एक वीडियो आपको कुछ इस तरीके से आपको शूट कर लेनी होगी जो कि बैकग्राउंड आपका वाइट होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हो मेरे वीडियो में जो बैकग्राउंड है वाइट है, तो कुछ इसी तरीके से आपको भी वीडियो शूट कर लेनी होगी बैकग्राउंड वाइट में। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर अपने वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो स्टारा पार्ट है मैं उसको डिलीट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर हाथ जो फेर रहा हूँ यहाँ तक मैं रखूँगा, कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर ट्रिम राइट कर देनी होगी। तो इधर का जो पार्ट है देख सकते हो कट चुका है, तो इसी वीडियो को प्रेस करके रखना है और इसको स्टार्टिंग में लेके आ जाना है। लेके आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में इधर का जो स्टारा पार्ट है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रिम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो करने के बाद यहाँ पर गाइस इसको फुल स्क्रीन में आपको एड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो बैक आ जाना है, और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से इसे फुल स्क्रीन में अच्छे से ऐड हो जाएंगे। तो यह मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने पर थोड़ी सी स्क्रॉल और आपको करनी है, और यहाँ पर देख सकते हो ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसे मल्टीप्ले कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्ले करता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर इसका देख सकते हो एड एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका लाइट थोड़ी सी आपको कम कर देनी होगी कुछ इस तरीके से, जिस तरह से आपका वीडियो है उसी हिसाब से आपको इसको आपको एडजस्ट कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया हूँ, और यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद यहाँ पर जो गर्ल्स वगैरह का वीडियो फोटो जो है इस फोटो पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर देख सकते हो एक हल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक कर देना है, और इसको थोड़ी सी कम कर देनी होगी कुछ इस तरीके से।
देख सकते हो मैं यहाँ पर इतना तक रख दिया हूँ। रखने के बाद यहाँ पर बैक आ जाना है गाइस। बैक आने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना और मीडिया पे क्लिक कर देना है। एक फ़ोटो मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम पे, उस फोटो को यहाँ पर वहाँ से डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद गाइस इसको थोड़ी सी जूम करके आपको बीच अच्छे से इसमें नीचे में ऐड कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद यह गाइस यहाँ पर देख सकते हो 3 डॉट आपको मिल जाती है। इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से सेंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देनी होगी। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएंगे और इसका भी जो लेयर है पूरी वीडियो की बराबर में आपको कर देनी होगी। करने के बाद गाइस यहाँ से फिर से लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना। एक इफेक्ट वीडियो मैं दे दूँगा फिर से टेलीग्राम पर, तब वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। हो सके तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि हर मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम पर ही देता हूँ गाइस। तो मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करना है, फिर से आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाती है, इसी पर क्लिक कर देना है और इसको फुल स्क्रीन में ऐड कर देनी होगी। और ऐड करने के बाद यहाँ पर बैक आ जाना है गाइस। फिर थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ से बिल्डिंग का ऑप्शन मिल जाती है, इसी पर क्लिक कर देना और इसको यहाँ से स्क्रीन कर देनी होगी गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के देखने को आपको मिल जाएंगे वीडियो। और आपको करना क्या, थोड़ी सी नीचे आपको आना है और यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका जो साउंड है उसको आपको बंद कर देनी होगी कुछ इस तरीके से। और आपका जो वीडियो का भी जो सॉन्ग है उस सॉन्ग को भी यहां से आपको बंद कर देनी होगी। तो मैं यहां पर सब बंद कर दिया हूं। और इसमें अगर कोई सॉन्ग इसमें आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सॉन्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी सॉन्ग इसमें आप यूज करना चाहते हो उस सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक सॉन्ग आपको दिखाने के लिए ऐड कर लेता हूँ। तो इस सॉन्ग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूँगा और ये हमारे वीडियो में सेव हो जाएंगे। तो देख सकते हो नीचे में वीडियो में सेव हो चुके। तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर ये वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबको कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए और अभी तक वीडियो का लाइक नहीं कीजिए प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगे गाइज। तो गाइज इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव वीडियो पर क्लिक कर देना है। ये आपका गैलरी में सेव हो